राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग को लेकर काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्यालयों में कार्य किया। NHM कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान NHM कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा व जॉब की कोई गारंटी नहीं है। NHM कर्मचारियों ने नियमित करने, बीमा सुविधा देने, मानदेय में बढ़ोतरी करने सहित अन्य 9 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हमारी जो भी 9 सूत्रीय मांगे हैं उनका, हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है उसके द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग काला फीता बांधकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और हमें बताया जा रहा है कि 1 माह तक हमें अभी ऐसे ही कार्य करना है। अगर 1 माह के भीतर इसमें किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो भी हमारी स्टेट की कार्यकारिणी है वो जो भी हमें दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी देखिए, काम अभी 1 माह तक तो चलता रहेगा काला फीता बांधकर। लेकिन देखिए, जो भी हमारी स्टेट की कार्यकारिणी हमें दिशा निर्देश देगी उसी के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।